हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिंग बडीज। मैं आपका फ्रेंड मोहित फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो जैसा हमारा शेड्यूल रहता है मंडे टू सैटरडे डेली 8 PM में जितने भी हमारी जेन्युइन इंटर्नशिप होती हैं या जॉब्स होती हैं उन सब के हम अपडेट आपको वीडियो के थ्रू देते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जॉब में आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट के लिए आता है जो जेवा टेक्नोलॉजी ऑफर करती है हमें। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है और क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। तो अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की तो आप देख लीजिए, शुड बी अ फ्रेशर एंड पास आउट ईयर 2018, 19 एंड 2021 वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा उनका बीई या बीटेक एमसीए कंप्लीट होना चाहिए, एमएससी। उसके अलावा स्किल्स की बात करूँ मैं, कोई भी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो तो एडवांटेज हो जाएगा। उसके अलावा कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, बस आपको एप्टीट्यूड टेस्ट को पास करना है। अब इसकी कंपनी के 3 राउंड होंगे। पहला राउंड होगा आपका एप्टीट्यूड का ऑनलाइन टेस्ट, सेकेंड होगा आपका लॉजिकल रीजनिंग का, और तीसरा होगा आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू। ओके, सो ये कंपनी की प्रोफाइल है, आप चेक कर सकते हैं जेवा टेक्नोलॉजी के बारे में। मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट इंटर्नशिप कम्स फ्रॉम आइडियाज टू आईटी हायरिंग। ओके, सो यहाँ पे हमारी पोस्ट आती है सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग क्वालिटी एनालिस्ट की। सो हम इसमें भी स्किल्स की बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की बात। सबसे पहले क्वालिफिकेशन ये आती है, कोई भी ग्रेजुएशन हो, बीई, बीटेक, एमटेक, एमएससी, ये सब, मतलब बीई, बीटेक चाहिए यूजी में, और पीजी में आपका एमटेक और एमसी और एमएससी भी चलेगा, ठीक है। और हम स्किल की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इन एप्टीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स, क्विक लर्नर विद ग्रेट एटीट्यूड और फंडामेंटल प्रोग्रामिंग स्किल, है ना। बट ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब आपको फिर भी नॉलेज तो होनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। इसमें भी राउंड है, पहला राउंड है आपका एप्टीट्यूड राउंड, सेकंड है आपका वर्चुअल मीट विद आर टेक्निकल पैनल, है ना। मतलब पहला अपना हो गया टेक्निकल राउंड, सेकंड हो गया अपना एचआर राउंड, बस यही चीज़ है। उसके बाद आपका ऑफर लेटर आ जाता है। सो हमने ये बात कर ली सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग की। अगर मैं बात करूँ कि कितना ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ये तो फुल टाइम जॉब है तो उसका कुछ CTC होगा ना ऑनलाइन, सो शायद वो इन्होंने दिया नहीं है, नॉट डिस्क्लोज्ड है। लेकिन अगर आप चाहें तो मेल करके आप पूछ सकते हैं रिक्रूटर से। ओके, सो जल्दी जल्दी से हम नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपनी कंपनी पे। नेक्स्ट आती है हमारी टेक्निकल एसोसिएट की पोस्ट आती है, जेनपेट की तरफ से आता है टेक्निकल एसोसिएट की जॉब आईटी फ्रेशर। सो इसमें मैं बात कर लूँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है बीटेक, ओके, और एक्सलेंट इन इंग्लिश कम्युनिकेशन बोथ रिटन एंड वर्बल, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया चाहिए। और तीसरी चीज़ ना चाहिए आईटी नॉलेज, ये एक एडवांटेज है, नॉट मैंडेटरी बट ये एडवांटेज होगा, उन्हें प्रेफरेंस दिया जाए और ऑब्वियस बात है होना भी चाहिए, ठीक है। और रिक्वायरमेंट्स क्या है इनकी, आपकी क्वालिफिकेशन मतलब एक्सीलेंस होनी चाहिए, आप प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आप इंग्लिश कम्युनिकेशन में, एंड सेकेंड इज कमिटमेंट टू क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव। मतलब आप खुद में सेल्फ मोटिवेटेड इतना होना चाहिए कि अगर आपको कोई नई चीज़ सिखाई जा रही है तो आप सीखें। उसके अलावा अगर आप मतलब पर डे कुछ ना कुछ इम्प्रूव करें, ये इतने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट आप होने चाहिए, जिससे आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव आप खुद ब खुद लेते रहें। तो ये क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर हैं तो आप इस कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। ओके, सो नेक्स्ट आती है हमारी एप्सिलॉन की तरफ से आती है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट। सो मैं आपको पहले बता दूँ क्वालिफिकेशन के बारे में, क्वालिफिकेशन में बता दूँ आपको, कंप्यूटर साइंस डिग्री चाहिए इन्हें जैसे बीटेक, और स्पेशली पास्ट बोला है 2019 और 2020 के। ओके, सो ऑब्वियस बात है ये फ्रेशर के लिए कहाँ रह गई, फिर अगर ये करेगा तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो या फिर 2 साल के ड्रॉपर हो जाएंगे, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और नॉलेज ऑफ ASP.NET, MVC, रेस्टफुल वेब सर्विसेज, फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स, राइटिंग डेटाबेस, मतलब देखो आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज चाहिए, .NET की चाहिए, और उसके अलावा ये अपना MS MQ, है ना, और डेटाबेस की क्वेरी और FTP और माइक्रोसॉफ्ट .NET डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी जैसे C#, .NET, ये तो हमने पहले बात ही कर ली। उसके अलावा वेब API की नॉलेज, डिज़ाइन पैटर्न, SQL डेटाबेस के लिए, और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, यूनिट टेस्ट फ्रेमवर्क, और SDLC की नॉलेज।
सो बस यही सब चीज़ें हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं, आप इन्हें फुलफिल कर रहे हैं रिक्वायरमेंट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर लास्ट इंटर्नशिप ऑफ दिस डे इज़ फ्रॉम बिटवाइज। सो बिटवाइज जो है ये हमारे डेली टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ओके सो मैं आपको बताऊं कि बिटवाइज हायरिंग कर रहा है प्रोजेक्ट ट्रेनिंग की। सो देख लीजिए आप, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग क्या, इसमें जॉब टाइटल है, लेकिन आप देखिए क्या लिखा है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग अंटिल ग्रेजुएशन कम्प्लीशन। अगर आप लास्ट ईयर में हैं, मतलब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी, तो आप प्रोजेक्ट ट्रेनिंग रहेंगे। उसके बाद आप जैसे ही मार्कशीट सबमिट कर देंगे और आपका परफॉर्मेंस इवेल्यूशन होगा, मतलब एक हाथ दो टेस्ट वगैरह हो सकते हैं, उसके बाद आपको डेजिग्नेशन प्रोवाइड कर देंगे। ओके उसका ट्रेनिंग प्रोग्रामर और ट्रेनिंग टेस्टर की आप पोस्ट मिल जाएगी। तो हम ये बात कर सकते हैं, ये 2-in-1 जॉब है। आप इंटर्नशिप भी करो, उसके बाद आपको इसमें जॉब भी दे देंगे। ओके सो मैं बात करूँ CTC की, तो 3 लाख पर एनम की आपको CTC देंगे। उसके अलावा अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो BTech चाहिए, उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया, मिनिमम अकेडमी 55%, उसके अलावा ग्रेजुएशन 55%, और एसेंशियल स्किल्स में गुड कम्युनिकेशन स्किल्स तो हैं ही, उसके अलावा लॉजिकल स्किल्स और एनालाइजिंग स्किल और इंटरप्रेट एंड ड्रॉ इन्फ्रेंसेस। ओके और एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट लॉजिक यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब आपकी कॉम्पिटिशनल कोडिंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपको अगर कोई भी चीज़ देते हैं, कोई भी लॉजिक देते हैं, तो आप लॉजिक को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सको। ओके उसके अलावा आपको डेटाबेसिस की नॉलेज होनी चाहिए, और एडिड एडवांटेज, जिनको एडिड एडवांटेज मतलब ये मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास होगा तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो उसमें देख लीजिए आप प्रेफरेंस वाली बात, अगर आपको डिज़ाइन पैटर्न्स आते हैं, ओके और कंडस्ट, अगर आपको इंडस्ट्री सिनेरियो के बारे में आपको नॉलेज है, थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री का एक्सपोजर है आपको, सो ये आपके लिए एक सरप्लस होगा कंपनी के लिए भी। सो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं नीचे। सो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आप मुझे कमेंट करके बताइए आपकी वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।